जिंदगी से कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो ये समझ लो, जब किस्मत और समय दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिन्हें खुद अपना पता नहीं होता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ठीक होता है। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है, वे सभी को अच्छा समझ लेते हैं, यहीं से उनके दुखों का प्रारंभ होता है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता बल्कि भरोसा मर जाता है। जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। रिश्तों में कसूर किसी का भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर की आंखों से ही गिरते हैं। मुफ्त में बस माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ो और उसे ये एहसास कभी मत दिलाओ कि वो अंधा है। यदि भगवान ने आपसे कुछ लिया है तो मत सोचो हो सकता है भगवान ने आपको कुछ उससे और अच्छा देने के लिए आपका हाथ खाली किया हो। आपका दुख केवल आप और ईश्वर जानते हैं। तीसरे के चक्कर में भूलकर भी न पड़े, अन्यथा दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छे इंसान की एक इच्छा होती है, मुझे मिला दुख किसी को न मिले और मुझे मिला सुख सबको मिले। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। जिस प्रकार लोहा स्वयं अपने जंग से नष्ट होता है, इसी प्रकार मनुष्य भी स्वयं अपने कर्म व सोच से समाप्त होता है। हमेशा सामने वाले को गलत समझना छोड़ दें। ये समझो कि उसकी सोच हमसे अलग है। पक्षियों से सीखना चाहिए, पतझड़ में भी वो अपना घोंसला नहीं छोड़ते। उन्हें पता है फिर बरसात होगी, फिर पत्ते आएंगे। इसी प्रकार मनुष्य को भी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त अवश्य आता है। धैर्य बनाए रखें और प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए।